प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुंबई के कांदिवली पश्चिम माझी नगर सेविका प्रियंका प्रफुल्ल मोरे द्वारा रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर युवाओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर रक्तदान किया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी व विधायक योगेश सागर भी, जहां पर उन्होंने ब्लड डोनेट करने वाले दाताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया। वहाँ पर ऐसे ही एक नाम सामने आया जिसने 100वीं बार रक्तदान किया, जिसका सम्मान गोपाल शेट्टी के हाथों किया गया। वहीं इस दौरान रक्तदान शिविर में पहुंचे विधायक योगेश सागर ने खुद भी रक्तदान किया और उन्होंने कहा कि मैं कोई भी कार्य लोगों को बोलने से पहले हमें खुद करना चाहिए, इसलिए आज मैंने यहाँ रक्तदान किया और ये पहली बार नहीं, ऐसे अनगिनत बार वह रक्तदान कर चुके हैं। तो देखिए इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा विधायक योगेश सागर और आयोजक माझी नगर सेविका प्रियंका मोरे ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी सेवा पंद्रावड़ा, जिसको मराठी में कहते हैं सेवा पंद्रावड़ा, ये 2 हफ्ते का पूरा कार्यक्रम देश भर में सेवा के लिए चलता है। स्वच्छता अभियान हो, अस्पतालों के अंदर की सुविधा में सुधार करना हो, अस्पतालों की स्वच्छता हो, स्कूलों की स्वच्छता हो, मेडिकल कैंप हो, जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षण की व्यवस्था करके देना हो, पेड़ लगाना हो एक पेड़ माँ के नाम, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम नागरिक करते हैं प्रधानमंत्री जी के इस सेवा पंद्रावड़ा के जन्मदिन के अवसर पर। आपने भी सर रक्तदान किया? मैंने आज यहाँ पर हमारे चारकोप विधानसभा में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ था, वहाँ पर मैंने KM अस्पताल महानगर पालिका के अस्पताल के लिए रक्तदान किया है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे जैसे लोगों ने भी इसमें एक प्रेरणा और उदाहरण रूप बनना चाहिए। जो मानसिकता राजनीतिज्ञों के बारे में लोगों की है उसको लगातार सुधारने का प्रयत्न और उसकी सूचनाएं हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित भाई, JP नड्डा जी, देवेंद्र फडणवीस जी देते हैं, उसको अनुरूप कार्य करने का मैं प्रयत्न करता हूँ और मैंने आज इसीलिए अपना रक्तदान यहाँ पर किया। योगी जी ने ये आज पहली बार है या कितनी बार रक्तदान? अभी इसका गिना भी नहीं है, लगभग 70-80 बार से ज़्यादा हुआ है। मैं जब नगर सेवक था उससे पहले स्वयं रक्तदान शिविर का आग्रह करता था और रखता था, और उस समय भी मैं कहता था कि ये चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए तो रक्तदान शिविर लगाना चाहिए। तो मैं अपने वहाँ नगर सेवक के कार्यकाल के 3 टर्म और विधायक के कार्यकाल के अभी तक के टर्म में जितने रक्तदान शिविर में गया, और अगर 3 महीने पूरे हुए हैं तो मैंने रक्तदान किया है। इसके बारे में कोई गिनती रखी नहीं, क्योंकि लोगों ने प्रेम भी इतना दिया है, पार्टी ने पद भी इतने बड़े दिए, तो इसको क्या गिनना और उसको क्या गिनना। साजरा करते त्यासाठी आम्हाला आमच्या आदरणीय योगेश सागर चारकोप विधानसभेचे आमदार योगेश सागर यांनी जे कार्यक्रम दिलेले होते, कार्यक्रम म्हणूनच आलेले होते, त्याप्रमाणे आम्ही आज हे सगळे कार्यक्रम राबवत आहोत। आज बरेच दिवस झाले वृक्षारोपण सुद्धा जवळजवळ 1,00,000 वृक्षारोपण करायचं म्हणून त्यांनी सांगितलेलं, तर आम्ही प्रत्येक ह्याच्यामध्ये माझ्या प्रभागामध्ये वृक्षारोपण म्हणून आम्ही प्रत्येक सोसायटीमध्ये वृक्षारोपण म्हणून आम्ही प्रत्येकाला 1-1 वृक्ष देऊन त्यांना सांगितलं तुमच्या सोसायटीमध्ये लावून त्याचं संगोपन करा। अभी तक कितने लोगों ने मैडम यहाँ पे रक्तदान किया है? ये कितने बजे तक कार्यक्रम चलने वाला है आज पूरे दिन? 4 बजे तक। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है रक्तदान शिविर में जिस तरह से युवा बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, क्या लगता है इससे क्या कर रहे हैं? रक्तदान श्रेष्ठ दान करके अपन जो बोलते हैं वो एकदम सच है, क्योंकि जब भी हर एक जो आदमी है, बोलो कोई मरीज बोलो, हर एक जन का जो जो कुछ प्रॉब्लम आते हैं वो प्रॉब्लम में जब भी ब्लड का जरूरत लगता है, जब भी इधर उधर भागदौड़ होता है, तो ये भागदौड़ होने से पहले हमारी जो सरिता मैडम है KM हॉस्पिटल की और बांगर सर बैठे, उन्होंने मुझे हर एक टाइम उन्होंने हेल्प भी किया है। और ये जो युवा है विक्की जायसवाल इधर खड़ा है, अभी वो वार्ड नंबर 22 का युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, और हमारे चारकोप विधानसभा के मंडल अध्यक्ष सुनील कदम जी है, महिला अध्यक्ष सुनंदाताई सावंत है, और ये जो पदाधिकारी है कार्यकर्ते है, सभी मिलकर हम लोग हर एक घर घर में जाकर वृक्षारोपण भी दिया। और ये जो कार्यक्रम बोला है हम लोगों को ब्लड डोनेशन का, तो ये रक्तदान श्रेष्ठदान करके हर एक मरीज का
हम लोग एक अलग से उसको एक रूप आना चाहिए और जुदा आना चाहिए, इसके लिए ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं।